मॉरल करेक्टर किसी का भी नहीं। दानिश आइज शोन, दानिश की आइज चमकी, दादा जान आर टीचर नैरेटेड अ वेल नोन इंसिडेंट अबाउट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वंस ही प्रोलॉन्ग हिज सजदा ड्यूरिंग सला सो नॉट टू डिस्टर्ब हिज ग्रैंड सन हजरत हुसैन अलैहि सलाम हु हैड क्लाइम्ड ऑन हिज बेड एंड वॉज प्लेइंग। दानिश रिप्लाइड इन अमेजमेंट। दानिश की आइज चमकी और दादा जान हमारे टीचर ने एक इंसिडेंट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताया कि एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर सजदे में रहे क्योंकि उनकी बैक पे उनके ग्रैंड सन हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो चढ़ गए थे और वो उनके साथ खेल रहे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और वो काफ़ी देर सजदे में रहे। दानिश ने जवाब दिया हैरानी से। दानिश रिप्लाइड इन अमेजमेंट। सो वी लर्न फोर पैराग्राफ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने इन फोर पैराग्राफ में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालने हैं और उसको बुक में ही मार्क करना है और आपने नाउन को मार्क करना है। आपको पता है नाउन इज़ एनी नेम थिंग और प्लेस इज़ कॉल्ड नाउन। तो जितने भी नाउन हैं आपने उनको कॉपीज़ में उतारना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बुक में ही मार्क करना है। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।